जय हिंद दोस्तों, मैं निकेत कुमार बिहार कृषि कॉलेज सबौर भागलपुर से एग्री गाइडेंस के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। बहुत सारे स्टूडेंट यह कमेंट कर रहे थे कि एक्सटर्नल के पेपर पर वीडियो बनाइए कि एक्सटर्नल का पेपर किस प्रकार का आता है। तो हमारे पास है फर्स्ट सेमेस्टर का एक्सटर्नल का पेपर, तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो फर्स्ट सेमेस्टर के एक्सटर्नल के पेपर हैं किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करें। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जो एक्सटर्नल का जो पेपर होता है वह जो है 50 नंबर का होता है, जिसमें से जो है इसको दो भाग में डिवाइड करते हैं पूरे पेपर को, और इसके लिए जो समय मिलता है वो मिलता है 2 घंटे का, ठीक है। 25 नंबर का ऑब्जेक्टिव आता है और 25 नंबर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने होते हैं। 25 नंबर के ऑब्जेक्टिव पेपर के लिए हमें जो है स्टार्टिंग का 30 मिनट मिलता है, ठीक है, और बाद का जो 90 मिनट का होता है वह मिलता है हम लोग को सब्जेक्टिव पेपर को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। 90 मिनट तो अगर हम टोटल टाइम को जोड़ें वह होता है 120 मिनट, मतलब कि 2 घंटे, ठीक है। तो और जो है ऑब्जेक्टिव में फिल इन द ब्लैंक्स, करेक्ट द ऑप्शन और करेक्ट द स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन आते हैं, और सब्जेक्टिव में 7 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर टाइप के क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से कोई भी 5 करना होता है, 1-2 नंबर का होता है, यानी कि 10 नंबर का शॉर्ट और 15 नंबर का लॉन्ग करना होता है, जिसमें से 5 में से कोई भी 3 लॉन्ग क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करना होता है। तो चलिए हम देखते हैं, हमारे पास एग्रीकल्चर हेरिटेज का क्वेश्चन पेपर है कि इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन आए हुए हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 4 नंबर में लिखा हुआ है, राइट शॉर्ट नोट एनी 5 ऑफ द फ्लोइंग, मतलब कि इसमें टोटल जो है 7 क्वेश्चन दिए गए, ठीक है, जिसमें से कोई भी 5 आप लोगों को करने हैं। एक क्वेश्चन जो है 2 नंबर का होता है, तो 5 क्वेश्चन जो है 10 नंबर का होता है, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन जो टोटल 10 नंबर का आप लोगों को सॉल्व करने होते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें KVK कृषि विज्ञान केंद्र, यानी कि कृषि विज्ञान केंद्र हो क्या होता है उसके बारे में लिखने के लिए, तो आपको इसके बारे में जो भी कुछ पता होगा आप लोग उसके बारे में लिख सकते हैं। और जो है कृषि विज्ञान केंद्र को ही इंग्लिश में फार्म साइंस सेंटर कहते हैं, ठीक है, फार्म साइंस सेंटर, ये भी आप लोग नोट कर लीजिए। और ये क्वेश्चन जो है एक कोई एग्जाम का इंटरव्यू हो रहा था उसमें पूछा गया था कि केवीके को जो है अन्य, मतलब कि केवीके का दूसरा नाम क्या है, तो फार्म साइंस सेंटर। एक्चुअली में जिसे हम कृषि विज्ञान केंद्र कहते हैं उसी का ये केवल इंग्लिश का रूपांतरण है, मतलब फार्म मतलब कृषि, साइंस मतलब विज्ञान, सेंटर मतलब केंद्र, कृषि विज्ञान केंद्र उसी को बोलते हैं फार्म साइंस सेंटर। आप लोग को पता होगा कि फर्स्ट KVK जो है इंडिया में पौंडीचेरी में स्थापित किया गया था 1974 में, जो कि TNU तमिलनाडु एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी के अंतर्गत कॉलेज ये KVK खोला गया था। कोई भी जो KVK होता है वो किसी भी एक कृषि विश्वविद्यालय के अंदर काम करता है, ठीक है। अभी भारत में जो है 734 के आसपास KVK है, ठीक है, ये आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा फिर से गूगल पर। उसके बाद कभी कभी क्वेश्चन आता है क्या कि बिहार में सबसे पहले KVK कहाँ पर स्थापना हुआ, तो बिहार में सबसे पहले KVK की स्थापना मुंगेर और सहरसा में की गई, ठीक है, ये भी क्वेश्चन कहीं कहीं आप लोगों को पूछे जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन है एनिशियंट इको फ्रेंडली पेस्टिसाइड, ठीक है, मतलब कि अगर हम लोग को पेस्ट को कंट्रोल करना है तो हम लोग इको फ्रेंडली पेस्टिसाइड के रूप में क्या क्या स्प्रे कर सकते हैं उसके बारे में लिखना होता है, ठीक है। जैसे क्या कि इसमें हम लोग जो है क्या कि नीम एक्सट्रैक्ट जो होता है, जो नीम का जो सैप होता है उसका हम लोग जो है पेस्टिसाइड के रूप में उपयोग करते हैं, और भी बहुत सारे ऐसे मेडिसिनल प्लांट जिसको हम लोग जो है एज ए पेस्टिसाइड को के रूप में उसको उपयोग करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है वो है टंग का या टैंक्स का, उसके बारे में लिखने के लिए बोल रहा है। ट्रेडिशनल मेथड ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब होता है वर्षा जल संचयन, मतलब कि पुराने ज़माने में जो है वर्षा जल का संचयन किस प्रकार से करते थे और उसको किस प्रकार से जो धरती के नीचे भेजते थे, तो उसके बारे में आप लोगों को पूरा लिखना पड़ेगा। कुंड और कुंदिश, ठीक है, इसके बारे में बोल रहा है लिखने के लिए। GIEHS का मतलब क्या होता है, ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चरल हेरिटेज सिस्टम, कभी कभी इसका फुल फॉर्म भी एग्जाम में आता है कि GIEHS क्या है, ठीक है। उसके बाद क्रॉप क्लासिफिकेशन, क्रॉप को अलग अलग बेसिस पर क्लासिफाई किया गया, उसके बारे में लिखने के लिए। तो ये तो हम लोग के पास थे शॉर्ट में किस प्रकार का क्वेश्चन एग्रीकल्चर हेरिटेज में
में 2016-17 के समय आया हुआ था। और हम आगे देखेंगे कि आगे और लॉन्ग में किस प्रकार के क्वेश्चन हैं। लॉन्ग में फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट डाउन द एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेज सजेशंस मेड बाय कौटिल्य इन अर्थशास्त्र। ठीक है कि कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में एग्रीकल्चरल के लिए किस प्रकार के प्रैक्टिस को बताया, उसके बारे में लिखने के लिए बोल रहा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, राइट डाउन द इम्पोर्टेंस एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज अवेलेबल इन इंडिया। मतलब कि भारत में जो है कृषि का क्या महत्व है और कृषि जो उपलब्ध कृषि संसाधन है उसका क्या महत्व, उसके बारे में लिखने के लिए। ठीक है, हाउ मानसून इज ए गैम्बल विद इंडियन एग्रीकल्चर। मतलब कह रहा है क्या कि मानसून भारतीय कृषि के साथ जुआ का खेल खेलता है कैसे। जैसे कि क्या होता है कि अगर बारिश होगा तब खेती होगा होता है यहाँ पर, अगर बारिश अगर नहीं हुआ तो खेती नहीं हो पाता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि कृषि एक प्रकार का जुआ का खेल है। ठीक है, मॉनसून इज गैम्बल विथ इंडियन एग्रीकल्चर। अगला 4 नंबर क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द रिसर्च ट्रस्ट एरिया आइडेंटिफाइड फॉर इमीडिएट फ्यूचर। ठीक है, डिस्कस अबाउट द प्लांट प्रोडक्शन एंड प्रोटेक्शन थ्रू इंडिजिनस ट्रेडिशनल नॉलेज। इसके बारे में भी बहुत बार एग्जाम में आता है ITK, इसको शॉर्ट में बोलते हैं ITK। ITK का मतलब क्या होता है, इंडिजिनस ट्रेडिशनल नॉलेज। ठीक है, इसके बारे में लिखने के लिए बोल रहा है। इसका मतलब क्या होता है कि अगर प्लांट का प्रोडक्शन करना है और प्रोटेक्शन करना है तो हम लोग ITK के थ्रू, मतलब जो पारंपरिक जो नॉलेज है उसके थ्रू हम लोग किस प्रकार से कर सकते हैं, उसके बारे में आप लोगों को लिखने के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं कि आगे और देखते हैं कि किस प्रकार का क्वेश्चन जो है आता है। ठीक है, तो ये था हमारा एग्रीकल्चर हेरिटेज का क्वेश्चन पेपर। तो आगे हम लोग बात करेंगे कि जो है कॉम्प्रिहेंशन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश में किस प्रकार के क्वेश्चन जो आप लोग के एग्जाम में आते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, वर्चू हैज इट ऑन रिवॉल्व। ठीक है, डिसिप्लिन इन लाइफ, लाइफ में जो है डिसिप्लिन क्यों आवश्यक है, डिसिप्लिन का क्या इंपॉर्टेंस है, डिसिप्लिन में रहकर एक स्टूडेंट क्या कर सकता है, स्टूडेंट की लाइफ में डिसिप्लिन का क्या इंपॉर्टेंस है, इन सभी पर आप लोगों को जो है एक नोट लिखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मीन्स आर मोर इम्पोर्टेंट देन इंड्स। ठीक है, व्हाट अकॉर्डिंग टू रेमंड बी फोस्टडाई इज द टावरिंग एनिमी ऑफ मैनकाइंड। जैसे भी क्वेश्चन आप लोगों के इंग्लिश के जो कहानी पर जो स्टोरी पढ़ना है उसमें दिया होगा, जैसे भी क्वेश्चन वही सब क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में भी आते हैं। एट द इंटरनेशनल लेवल स्पोर्ट इज फ्रेंकली मिमिक वेलफेयर। ठीक है, इसके बारे में आप लोगों को शॉर्ट में लिखना है कि यह जो स्टेटमेंट दिया गया है इसका क्या अर्थ हो सकता है। फ्रीडम ऑफ प्रेस पर लिखना है, ड्रग एडिशन ठीक है उस पर लिखना है। आगे है कि लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, कैन एजुकेशन एंड टॉलरेंस एंड अंडरस्टैंडिंग द क्रिएटिव इंटेलिजेंस रन फास्ट इनफ टू कीप अस एब्रेस्ट विथ आवर माउंटिंग कैपेसिटी टू डिस्ट्रॉय। ठीक है, इसके बारे में आप लोगों को लिखना है। द रोल ऑफ मल्टीनेशनल्स इन इंडियन इकोनॉमी, मतलब जो भी मल्टीनेशनल्स कंपनी है उसका भारतीय इकोनॉमी यानी इंडियन इकोनॉमिक में क्या इंपॉर्टेंस है, क्या उसका महत्व, उसके बारे में लिखना है। प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स इन इंडिया, इंडिया में जो स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए क्या क्या किया जा रहा है, क्या क्या हो रहा है, उसके बारे में लिखना है। राइट ए लेटर इन द एडिटर ऑफ लोकल न्यूज़पेपर ऑफ योर टाउन टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस टू लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन आवर लोकेलिटी। ठीक है, यहाँ पर एक अप्लीकेशन लिखना है। ठीक है, एज ए लाइब्रेरियन राइट टू ए बुक शॉप ऑर्डरिंग 4 सेट्स ऑफ मैथ इंग्लिश बुक डेट यू हैव अर्जेंटली रिक्वायर्ड फॉर योर लाइब्रेरी। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा थोड़ा बहुत इसको, अगर आप सॉल्व कर लेते पूरा तो आप लोग एग्जाम में कहीं ना कहीं बहुत आप लोग को हेल्प मिलेगा, क्योंकि लगभग 30-40% ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन में पूछे गए होते हैं, वही क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में बार बार पूछते हैं, तो इसको आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। आगे देखते हैं कि किस प्रकार का क्वेश्चन पेपर जो आया हुआ है।
आगे हमारे पास है फंडामेंटल्स ऑफ सॉइल साइंस, ठीक है, और इसका कोर्स कोड होता है ASC 111। इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन आए हुए देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर्स, सॉइल जो फॉर्म होता है उसको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं उसके बारे में आप लोग पढ़े भी होंगे। एक्टिव फैक्टर होता है, पैसिव फैक्टर होता है, वही से बारे में लिखना है। मैनेजमेंट ऑफ एसिडिक सॉइल, अगर कहीं एसिडिक सॉइल है उसको हम किस प्रकार से अलग अलग प्रोसेस से मैनेज करते हैं, अलग अलग मेथड से मैनेज करते हैं उसके बारे में लिखना है। बफरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, ठीक है। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्कली और सोडिक सॉइल, एल्कली या सोडिक सॉइल का क्या क्या गुण होता है, क्या क्या विशेषता होता है उसके बारे में लिखने के लिए बोल रहा है। अगला क्वेश्चन है पेडो टर्बुलेशन एंड जेलिएशन के बारे में लिखना है। CN रेशियो ऑफ द सॉइल के बारे में लिखना है। CN अनुपात जो होता है सॉइल में वो किस प्रकार से हेल्प करता है प्लांट के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। उसके बाद फिजियोलॉजिकल ग्रुपिंग ऑफ सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है, इसके बारे में भी आप लोगों को यहाँ पर लिखना है। आगे है कि जो है लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, ठीक है। लॉन्ग में किस प्रकार के क्वेश्चन आए हैं, डिफाइंड रॉक्स, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन जो आप लोगों के एग्जाम में बार बार आता है कि डिफाइंड रॉक्स एंड मिनरल्स, ड्रॉ ए नीट एंड स्केच ऑफ रॉक साइकिल ऑपरेटिंग इन नेचर, मतलब कि हमारे जो नेचर है उसमें रॉक साइकिल किस प्रकार से चलता है उसके बारे में लिखने के लिए बोल रहा है। व्हाट डू यू मीन बाय बल्क डेंसिटी एंड पार्टिकल डेंसिटी ऑफ सॉइल, कैलकुलेट टोटल पोरोसिटी ऑफ ए सॉइल हुज बल्क डेंसिटी इज 1.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यू एंड पार्टिकल डेंसिटी इज 2.65 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यू, ठीक है। इसमें पूछ रहा है कि बल्क डेंसिटी और पार्टिकल डेंसिटी क्या है, और एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है कि अगर कोई सॉइल है उसका BD का वैल्यू 1.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यू है, अगर उसका जो है PD का वैल्यू 2.65 ग्राम पर kg ग्राम पर सेंटीमीटर क्यू है तो उसको सॉल्व करने के लिए बोल रहा है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्पेसिफिक पेडोजेनिक एंड फॉर्मिंग पेडोजेनिक सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस, ठीक है। स्पेसिफिक पेडोजेनिक सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस क्या होता है उसके बारे में लिखना है। डिस्क्राइब द ब्रीफली व्हाट इज स्टोक्स लॉ, ठीक है, ये क्वेश्चन जो कभी कभी दो नंबर में भी आ जाता है कि स्टोक्स लॉ क्या है ब्रीफली, उसके बाद डिस्क्राइब इट्स एजम्पशन, ठीक है, इसके क्या क्या एजम्पशन है उसके बारे में लिखना है। ब्रीफली डिस्क्राइब द प्रॉपर्टीज ऑफ ह्यूमिक सब्सटेंसेस, ठीक है, ह्यूमिक सब्सटेंसेस क्या क्या है उसके बारे में आप लोगों को शॉर्ट में डिस्क्राइब करना है। और आप लोगों को यहाँ पर एक बात ध्यान रखना है कि जब भी कोई लॉन्ग क्वेश्चन आंसर आए उसमें कम से कम आप लोगों को जो है 3 पेज, ठीक है, 3 पेज मतलब कि 3 साइड में लिखना है, ठीक है, 3 साइड कम से कम आपको 3 साइड में लिखना है तभी आप लोगों को फुल में फुल यानी कि 5 में 5 नंबर मिलेंगे। अगला हमारे पास क्वेश्चन है कि फंडामेंटल्स ऑफ प्लांट बायोकेमिस्ट्री एंड बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। इसमें है पहला क्वेश्चन कि PCR टेक्निक क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता है। क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम क्या है, फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर जो एंजाइम एक्टिविटी को इफेक्ट करते हैं। स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस अमंग द डिफरेंट फॉर्म ऑफ DNA मॉलिक्यूल्स, ठीक है, DNA मॉलिक्यूल के जो अलग अलग फॉर्म्स होते हैं उसके बारे में लिखने के लिए यहाँ बोल रहा है। डिस्क्राइब मिचालिस मेंटेन इक्वेशन, व्हाट इज सिग्निफिकेंट ऑफ KM वैल्यू ऑफ एन एंजाइम, ठीक है, इसके बारे में लिखना है। उसके बाद है क्या TCA साइकिल क्या होता है उसके बारे में लिखना है। उसके बाद है एप्लीकेशन ऑफ प्लांट बायोटेक्नोलॉजी का क्या एप्लीकेशन उसके बारे में लिखना है। RAPD और ये एक प्रकार का मोलिकुलर मार्कर उसके बारे में लिखना है। और मोलिकुलर मार्कर हमेशा जो 5 नंबर में क्वेश्चन आता है हमेशा, तो इसमें आप लोगों को पढ़ लेना है कि जो है मोलिकुलर मार्कर क्या है, उसका एप्लीकेशन क्या है, उसका यूज क्या है, कितने टाइप के होते हैं, और कम से कम अगर आप इतना नहीं भी पढ़ पाते तो कम से कम जितने मॉलिक्यूलर मार्कर है 5 को 7 को जितने भी आप लोग के सिलेबस में दिए होंगे सभी का आप लोगों को फुल फॉर्म याद कर लेना, क्योंकि फुल फॉर्म से क्वेश्चन 1 नंबर 2 नंबर के आ जाते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को कम से कम इतना करके जाना है कि मॉलिक्यूलर मार्कर को चैप्टर को पूरा पढ़ लेना। उसके बाद व्हाट इज बीटा ऑक्सीडेशन क्या है, व्हाट इज सोमा क्लोनल वेरिएशन, व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ सोमा क्लोनल वेरिएशन इन क्रॉप इम्प्रूवमेंट, ठीक है, क्रॉप इम्प्रूवमेंट में जो है सोमा क्लोनल वेरिएशन का क्या महत्व। देखिए सोमा क्लोनल वेरिएशन का मतलब क्या होता है, जब हम टिश्यू कल्चर प्रोसेस से प्लांट को तैयार करते हैं तो उस समय जो प्लांट के बीच वेरिएशन दिखाई पड़ता है तो उसको बोलते हैं सोमा क्लोनल वेरिएशन, ठीक है। आगे है व्हाट इज रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी, ठीक है, यानी कि RDNA टेक्नोलॉजी क्या,
डिस्क्राइब ए सक्सेस स्टोरी ऑफ RDT इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है, कि RDT का एग्रीकल्चर फील्ड में क्या उसका इम्पोर्टेंस, उसके बारे में लिखना है। अगला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द रोल ऑफ डिफरेंट जीन इन्वॉल्व इन एग्रोबैक्टीरियम मेडिएटेड जीन ट्रांसफर प्रोसेस इन प्लांट, ठीक है, इसके बारे में लिखना है। व्हाट इज मार्कर, डिस्क्राइब द टर्म मॉलिक्यूलर मार्कर, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डोमिनेंट एंड कोवेलेंट मार्कर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, जो हर एक बार एग्जाम में आता है कि जो है मॉलिक्यूलर मार्कर क्या है, उसका एप्लीकेशन क्या है, कितने टाइप के होते हैं, डोमिनेंस और को डोमिनेंस मार्कर में क्या डिफरेंस है, और उसके एग्जाम्पल से तो बहुत बार एग्जाम्पल ये फुल फॉर्म एग्जाम में आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स में। तो ये था हमारा फंडामेंटल्स ऑफ प्लांट बायोटेक्नोलॉजी के कोर्स का क्वेश्चन आंसर। आगे हम लोग के पास फंडामेंटल्स ऑफ हॉर्टिकल्चर का क्वेश्चन आंसर, डिफरेंस बिटवीन ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आता है, बहुत बार भाईवा में भी सर पूछते हैं। डिफरेंस बिटवीन सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल प्रोपागेशन, सेक्सुअल प्रोपागेशन हम लोग हमेशा सीड से करते हैं, और एसेक्सुअल प्रोपागेशन हम लोग जो है सीड के अलावा अगर हम कोई अलग प्लांट पार्ट से करते हैं तो उसको बोलते हैं एसेक्सुअल प्रोपागेशन। डिफरेंस बिटवीन पॉलिनाइजर एंड पॉलिनेटर, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन स्प्रिंकलर एंड ड्रिप इरीगेशन सिस्टम इन फ्रूट क्रॉप, ग्रीन हाउस एंड मिस्ट हाउस में क्या अंतर है। उसके बाद है डिफरेंस बिटवीन PGR प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर एंड प्लांट बायो रेगुलेटर में क्या अंतर है। स्प्रेइंग ऑफ फर्टिलाइजर इन फ्रूट क्रॉप, ठीक है, कि फर्टिलाइजर को फ्रूट क्रॉप में स्प्रे करने से क्या होता है। अगला क्वेश्चन है पाँच नंबर में, कि डिफाइन हॉर्टिकल्चर एंड एक्सप्लेन इट्स ब्रांच, उसका कौन कौन सा ब्रांच उसके बारे में लिखना है। हाई डेंसिटी प्लांटिंग क्या, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, HDP बहुत बार एग्जाम में आता है, ठीक है। एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ हाई डेंसिटी प्लांटिंग इन फ्रूट क्रॉप्स, व्हाट इज अनफ्रूटफुलनेस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। एक्सप्लेन द एक्सटर्नल कॉज ऑफ अनफ्रूटफुलनेस, चार नंबर क्वेश्चन है। एक्सप्लेन द मेथड्स ऑफ प्रूनिंग इन फ्रूट प्लांट्स, पांचवा क्वेश्चन है। डिफरेंस बिटवीन मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स, लिस्ट एट लिस्ट सिक्स मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स, ठीक है, मतलब कि एरोमेटिक और मेडिसिनल प्लांट्स क्या होते हैं, और कम से कम छः का नाम और उसका बोटनिकल नेम लिखना है, ठीक है।